तो यार गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं न्यू ब्लर ब्लू स्मोक की इफेक्ट फोटो एडिटिंग इन स्नैपसीड। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी या कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो गाइस यहाँ से हमें सबसे पहले इस बैकग्राउंड को शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप में। तो गाइस हम आ चुके हैं स्नैपसीड ऐप में। तो गाइस अब सबसे पहले हम जाएंगे मेनू में, और यहाँ पर हम जाएंगे एचडीआर स्केप में, और यहाँ पर पहले नेचर वाला इफेक्ट जो है उसे चूज कर लेना है, और यहाँ पर हम फिल्टर सेंस को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे इतना। और उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइस उसके बाद हम जाएंगे फिर से मेनू में, और यहाँ पर हमें जाना है डबल एक्सपोजर में, और यहाँ से ऐड फोटो कर लेंगे, और यहाँ से इस मॉडल की फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर इस पोज को हमें कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद गाइज हम यहाँ पर ऑपेसिटी पर जाएंगे, और ऑपेसिटी को फुल कर लेंगे, और अब यहाँ से कर लेंगे डन। और अब हमें जाना है एडिट मेनू में, और यहाँ से वेव एडिट्स, यहाँ से डबल एक्सपोजर सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर इफेक्ट को ज़ीरो पर करने के बाद हम लोग बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पर स्नैपसीड में हम जूम करके इरेज कर लेंगे। तो गाइज कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को। तो मैं यहाँ पर फटाफट इरेज कर लेता हूँ। गाइज बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद हम लोग यहाँ पर इफेक्ट को ज़ीरो पर ही रखेंगे, और यहाँ पर ब्रश को थोड़ा सा साइड साइड से हल्का हल्का यहाँ पर इरेज कर लेंगे कुछ इस तरह से, और दूसरी साइड से भी कुछ इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पर हेयर के ऊपर भी हम कर लेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से हमें इरेज कर लेना है। गाइस उसके बाद हम यहां से फोटो को कर लेंगे डन। गाइस अब हम जाएंगे फिर से मेनू में, और यहां पर हमें जाना है फिर से डबल एक्सपोजर में, और यहां से ऐड फोटो कर लेंगे, और यहां से हम इस ब्लू स्मोक पीएनजी को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट करना है। और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर जो बीच वाला ऑप्शन है इफेक्ट का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऐड, और यहाँ से हम ऑपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे कुछ इतना, और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद हम लोग यहाँ से फोटो को कर लेंगे डन। गाइस अब हमें जाना है फिर से मेनू में, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पोर्ट्रेट, और यहाँ पर हम इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे कॉम्बो वन, और यहाँ पर हम फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर स्किन स्मूथिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और आई क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो गाइस यहाँ पर फेस स्पॉटलाइट पर हम फिर से जाएंगे, और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइस यहाँ पर स्नैपसीड में हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो
तो अब यहाँ से हम फ़ोटो को कर लेंगे डन और फ़ोटो को शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप में। गाइज हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट ऐप में, तो यहाँ पर हमें जाना है मेनू में और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ऐड फोटो और यहाँ से हम इस पैरट की पीएनजी को ऐड कर लेंगे और उसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है ऊपर। तो गाइज यहाँ पर पैरट की पीएनजी हमारी सेट हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइज यहाँ पर हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब यार गाइज यहाँ से फोटो को कर लेते हैं सेव, यहाँ से ड्रॉ टूल में जाएंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे।